हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, जो आपके दिल का राजा है, शहनाई बाजा है, वो पर्सन आपको रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, चीज़ें आगे नहीं ले जा रहा, या टेंशन ही टेंशन है आप लोगों के रिश्ते में। हो सकता है वो आपसे बातचीत भी कम करता हो। तो आज हम देखेंगे भी ऐसी क्या रीज़न है कि वो पर्सन चुप है, आपसे खुल के बात क्यों नहीं कर रहा, क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा। और ये जो रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे, अदरवाइज रख लेना। अदरवाइज बहुत सारी क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी, जो है आपके लिए बेहद ही जरूरी। देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जय माता दी। चलिए पॉजिटिव रहिए, रीडिंग देखिए। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, बल्ले बल्ले, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टीज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, ये रीडिंग चेंज होने वाली पूरी की पूरी, तीन तीन नाइट आ गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, अगर एलिमेंट की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे सभी एलिमेंट आए हैं। अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है, और वाटर साइन भी आया है, और सबसे कम है एयर साइन। सॉरी गाइस, फायर साइन। तो चलिए नंबर कुछ बोलने जा रही हूँ। हो सकता है आपके रिश्ते में ये बहुत महत्व रखते हो। नंबर वन इम्पोर्टेंट है, नंबर टू इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर फाइव इम्पोर्टेंट है, नंबर सिक्स इम्पोर्टेंट है, नंबर ट्वेल्व इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्टीन इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करिए रिपीटेड नंबर की, तो नंबर वन रिपीटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और नंबर ट्वेल्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्वेल्व नंबर की अगर बात की जाए तो देखिए गाइस, यहाँ तीन आए हैं। ट्वेल्व भी इम्पोर्टेंट है, 24 भी इम्पोर्टेंट है, और 36 भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इस डेट को आप कहीं घूमने गए हों, या आपके पर्सन ने आपके साथ कोई कमिटमेंट किया हो, या कभी कैंडल लाइट डिनर करा हो, या ये भी हो सकता है आपके बर्थडे हो। चलिए
देखते हैं आगे रीडिंग क्या है। रीडिंग का टॉपिक यही है कि वो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, आखिर वो क्यों चुप है, ऐसी क्या वजह है कि वो चुप है। चुप की बात की जाए तो गाइस, ये पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में आए तो ये आप लोगों का आकर्षक था, एक दूसरे को आंखों से अट्रैक्ट करना, एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, और हो सकता है ये आपका फैमिली फ्रेंड या कॉलेज या स्कूल फ्रेंड हो। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आए, एक दूसरे का आपका प्यार पड़ा है, पैशनेट हुए, एक रिश्ता बना, उस रिश्ते में फिर प्यार पनपा, उस रिश्ते को लेकर आप सीरियस हो गए। उस रिश्ते को आप लेके सीरियस हो गए, रिश्ते का आगे आने वाला पल आपने एक बार भी नहीं सोचा। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो भोले थे, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जो 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 रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ते में सारी वो हदें पार की हैं, लेकिन जब रिश्ता आगे बढ़ाने की बात आई, चीज़ों को क्लैरिटी देने की, जैसे कि आप ही ज़्यादा प्यार में पड़ गए, तो आप चाहते थे कि अब ये प्यार किसी नाम का हकदार है, चीज़ें आगे जाएं, क्योंकि आपको हमेशा लगता था ये पर्सन जो है इन एंड आउट की कंडीशन में रहता है। कभी कभी लगता था आपको कि कहीं मैं टाइम पास बन के ना आप रह जाएं, इसलिए इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाना चाहते थे, रिश्ते को सीरियस, लेकिन इस पर्सन ने की चुप्पी जो थी आपको खटकने लगी। नए नए तो आपने सोचा कि कोई बात नहीं, समझ जा जाएगी, अपने आप दो चार बार कहेंगे तो ठीक हो जाएगा, बैठ के बात करेंगे, ये सारी बातें करते थे। जब रिश्तों की क्लैरिटी या रिश्ता आगे बढ़ाने की बात आती थी तो ये पर्सन जो थे चीज़ों को बीच में छोड़कर रफू चक्कर आपकी आंखों से, यानी कि आपकी चीज़ों से परे हट जाते थे। आज आपकी ऐसी कंडीशन है, आप जितने ही अच्छे हो, जितने ही दिल के सच्चे हो, लेकिन काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन का, मुझे लगता है, वेट भी कर रहे हो, काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, दो दो वेट के कार्ड आए हैं, वेट कर रहे हो, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं है। आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, आप एक बुद्धिमान और मार खाई है, तो आपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस पर्सन ने आप की वजह से आप आज कुछ नहीं हो, आज भी आप इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आपको अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये क्यों चुप है, इनकी वजह मैं बताती हूँ। गाइस, इनके रिश्ते में और आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है, या फैमिली के साथ साथ कुछ लोगों के रिश्तों में कोई उनका क्रश भी हो सकता है जो रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये चुप्पी साधे इसीलिए बैठे हुए हैं, ये चुप्पी साधे इसलिए बैठे हुए हैं, अंदर से ये आपके लिए पैशनेट है, बढ़ना चाहते हैं, सोच भी रहे हैं, क्योंकि फैमिली इनको काफ़ी आपसे अलग होने के लिए कहती है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों में मनमुटाव भी खड़े कर दिए हैं फैमिली ने, थोड़ी सी इस पर्सन की बेवकूफियाँ भी रही हैं कि इसने शुरू से रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। अब ये पर्सन और आप जो हो, भले ही कांटेक्ट में भी हो, पर पहले वाली बात नहीं रही, कहीं ना कहीं इस पर्सन और आप में दूरियां आ गई हैं। ये जो इनकी फैमिली में जो लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी को एक साथ नहीं देख सकते, इनका काम ही यही है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाना। आपके पर्सन की जो परवरिश है इसी फैमिली में हुई है, तो जितने मर्जी अच्छे हों उनकी बातों में ये पर्सन आ ही जाते हैं, क्योंकि ये अंदर से ये भी जानते हैं कि ज़्यादा बोलने से मेरी फैमिली नहीं सुधरेगी, इसलिए ये रिश्ते के लिए हमेशा चुप रहते हैं और आज भी चुप है। किसी का कोई क्रश है, ये क्रश को भी नहीं छोड़ना चाहते, और ये चाहते थे कि चीज़ें आपके साथ भी बनी रहे। अगर आपने बोला नहीं मैं ऐसे आगे नहीं जाना हमें,
तो फिर इनको वहाँ पीछे हटना पड़ा। आज ये पर्सन जितनी पैशनेट होके आपकी लाइफ में आए थे, आज ये पर्सन खड़े उसी टाइम से जब से आपसे मनमुटाव चल रहा है तभी से ये सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि ये जानते हैं कि फेरी फैमिली जो है एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। गाइस, फैमिली कैसी भी हो छोड़ी नहीं जाती। ये चुप हैं तो किसी क्रश की वजह से, या समझ लीजिए थर्ड पार्टी की वजह से चुप है, अपनी फैमिली की वजह से चुप है, रिश्ता बढ़ाते हुए डरते हैं। तो रिश्ता इनके बढ़ाने या ना बढ़ाने से कोई ख़त्म नहीं होगा। आगे आए दो दो कार्ड आए हैं एस ऑफ कप्स का मतलब यही है कि इमोशनली होके ये आपकी तरफ आएंगे, पैशनेट होके ये आपकी तरफ आएंगे। ये चीज़ें न्यू बिगनिंग डिवाइन ने आपके रिश्ते में देनी देनी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का क्या कार्ड है कि ये चीज़ें आगे जाएगी, इनकी चुप्पी टूटेगी, चीज़ें आगे जाएगी, क्योंकि आपके रिश्ते में रीयूनियन रिकंसिलेशन लिखा हुआ है। ये पर्सन हो सकता है न्यू ईयर पे आपको कोई हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजे, ये भी हो सकता है अगर आपके आसपास रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइन चिन्ह दे कि हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट दे दूँ, या आपको बर्थडे विश करे, या क्रिसमस आने वाला है, कुछ भी कर सकता है। और अगर आपका फैमिली फ्रेंड है, फैमिली के साथ आपका हुआ है, ये कहीं दूर का है, तो हो सकता है आपको कोई मैसेज भी भेजे। तो गाइस, इनकी चुप्पी इसलिए है कि ये फैमिली की वजह से हैं। ये फैमिली इनको पता है जहाँ आप दुखी हो ये पर्सन भी दुखी है अंदर से। जैसे आपकी कड़वाहट है, मिठास और कड़वाहट दोनों चीज़ें हैं, वैसी इस पर्सन की भी है। लेकिन उस टाइम मानो ना मानो, जब ये पर्सन आपको पलट के चीज़ों की हामी नहीं भरते तो वो तो गलत बात है ही, चीट वाली बात है। इसमें जब दो इंसान मिलते हैं तो तीसरे बीच में तीसरे की वजह से दूसरे के साथ आपसे गड़बड़ी करनी वो गलत है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड और ये कार्ड दोनों नेगेटिविटी के बताते हैं कि पर्सन को मुंह बंद करने का वजह यही है। लेकिन आपकी चीज़ें आगे जाएगी, रीयूनियन भी होगा, न्यू बिगिनिंग डिवाइन चाहता है आपके रिश्ते की। चलिए देखते हैं ये चीज़ें कब तक आगे लेके जाएंगे। देखिए थर्ड पार्टी का नाम लो तो थर्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। गाइस, थ्री वीक से लेके 7 वीक या 7 मंथ तक ये चीज़ें आपकी आगे जाती हुई दिख रही है। इसके लिए आपके पर्सन अभी भी बहुत सोच रहे हैं, आगे बढ़ते हुए डर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए ये आगे बढ़ेंगे। शायद हो सकता है ये स्पिरिचुअल हो रहा है चैरिटी, लेकिन थर्ड पार्टी का इन पे दबाव बना रहेगा जब ये आपके पास आएंगे। तो थोड़े एक दो निकालते हैं, कुछ कार्ड निकालते हैं साईं बाबा जी के, देखते हैं साईं बाबा जी इस रिश्ते के लिए क्या कहना चाहते हैं। ओम साईं राम, 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 ओम साईं राम। साईं बाबा जी बताइए मेरे व्यूअर फैमिली इन बच्चों के लिए क्या एडवाइस है जिनके लिए इनकी जो नेगेटिविटी कम हो और इनको रिश्ते में न्याय मिले। आज बृहस्पतिवार का दिन है, दो कार्ड एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है गाइस।
गाइस बाबा जी कह रहे हैं कि तुम एक प्योर सोल हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो करते हैं फैमिली वाले, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, तुम एक प्योर सोल हो, डरने की जरूरत नहीं है। अपने चक्रा बैलेंस करो, अपने आप को सरेंडर कर दो डिवाइन के भरोसे, अपनी चीज़ें कर दो डिवाइन के भरोसे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही होगी। और आपके लिए डिवाइन ने यही बोला है कि अच्छा सोचो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। जब ये तीन चीज़ें आप करोगे तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि वो फिर से सही होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे आज के आपके रीडिंग कि आखिर वो क्यों चुप है, फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।